बच्चों आज के 5 मिनट फिजिक्स की सीरीज में सीखेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक शॉर्टकट ट्रिक जो कि हमारे IIT जे और हमारे नीट में टाइम को सेव कर देगी। 12th क्लास में आपने इस चीज का डेरिवेशन किया हुआ था। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो स्टैंडर्ड पोजीशन होती है, एक होती है एंडोन पोजीशन या जिसे एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। जैसे ये डाइपोल है मेरे पास, तो डाइपोल की एक्सिस के ऊपर लिया गया कोई पॉइंट उसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और दूसरी पोजीशन होती है उस ओरिजिन से, क्योंकि सारी डिस्टेंस डाइपोल में कहां से मेजर होती है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से ऊपर कंसीडर किया या नीचे कंसीडर परपेंडिकुलरली क्या हुआ पॉइंट, इसे बोलते हैं ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन या इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं। तो जनरली जो मुझे क्वेश्चन आपको सिखाना है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंडोन पोजीशन पे कितनी आएगी, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे कितनी आएगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोलूं आपसे कि एंडोन पोजीशन पे क्या करो या ब्रॉड साइड पोजीशन पे आपसे बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ट्रिक ये बोलती है कि आप दोनों जगह सबसे पहली स्टेप में नोट कर दो KP/RQ। मैंने क्या बोला, आप KP/RQ नोट कर दो, इधर भी क्या नोट कर दो KP/RQ। हमने दोनों जगह KP/RQ नोट कर दिया, ठीक है भाई। इस KP/RQ K का मीनिंग क्या है, तो K का मीनिंग है 1/4πε0। अगर मीडियम एयर है और कोई अदर मीडियम होगा देन एयर, देन εr भी नोट कर दिया जाएगा, ठीक है। पी का मीनिंग क्या है, पी का मीनिंग है डाइपोल मूवमेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है कि इफेक्टिव लेंथ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। क्योंकि डाइपोल के अंदर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, एनी ऑफ द चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ बिटवीन द डाइपोल। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड जो देखूं तो इफेक्टिव लेंथ इनटू जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी कूलम, और ये मीटर चार्ज की कूलम, इसकी मीटर। डायरेक्शन इसकी क्या होती है डायपोल मूवमेंट की, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है इसकी डायरेक्शन। खुद की डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मूवमेंट की मेरे बेटे, तो वो होती है नेगेटिव चार्ज से लेके, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है भाई। ये मैंने के और पी के बारे में पिक्चर क्लियर कर दी। इसमें एक चीज आर आ रही है, आर का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द ओरिजिन या मिड पॉइंट ओ, क्योंकि सारी डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करते हैं। चलो भाई, तो हमने के पी और आर का पिक्चर क्लियर की। आगे देखे इसमें हमने आपसे क्या बोला, दोनों जगह KP/RQ नोट कर दो। अगली स्टेप क्या होनी चाहिए, अब क्या करो, चलने की शुरुआत करो इस नेगेटिव चार्ज से। चलने की शुरुआत कहां से करो, नेगेटिव से। और एक बात बताना कि जब आप इस नेगेटिव चार्ज से लेके इस पॉइंट तक, जिसे मैं P कोई पॉइंट P1 मान लेता हूं, इस पॉइंट को कोई P2 मान लेता हूं, P1 यानी एंड ऑन पोजीशन का कोई पॉइंट है, P2 ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का पॉइंट है, जब मैं यहां से लेके इस पॉइंट तक पहुंचूंगा मेरे बेटे, ये ट्रिक है, कॉन्सेप्चुअल भी आप जानते हो, ट्रिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां से लेके जब आप यहां तक पहुंचेंगे तो आपको रास्ते में कितने चार्ज मिले होंगे, एक तो खुद मिला होगा, दूसरा ये मिला होगा, जब आप क्रॉस करके इसको आए होंगे तो दो चार्ज आपको रास्ते में मिले, तो जितने चार्ज मिले उस वैल्यू को नोट कर दो। तो क्या हो जाएगा, एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड 2 KP/RQ। दूसरी बात, अब मैं इसके में भी देख लूं, यहां से जब चले होंगे यहां तक, यहां से गए होंगे यहां तक, तो कितने चार्ज मुझे रास्ते में मिले, सिंगल एक चार्ज मिला मेरे को, एक चार्ज मिला तो मेरे पास ये, मैंने 1 लिखने को सेंस नहीं है, इसमें KP/RQ लिखा रहने दिया। अगली बात इसमें क्या करें कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एंड ऑन पोजीशन पे, सिमिलरली ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे। तो मेरे बेटे एक बात देखो, ये हमने चलने की शुरुआत कहां से की थी, लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आप जब यहां से लेके पॉइंट तक चले तो नेगेटिव टू पॉजिटिव गए, तो ये मेरे पास जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगली बात, ब्रॉड साइड पोजीशन पे क्या होती है, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे जो डायरेक्शन होती है होनी तो चाहिए थी, चूंकि इसमें पी आता है, होनी तो चाहिए थी नेगेटिव टू पॉजिटिव ही, इसमें पी आ रहा था तो पी की वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव थी, पी की डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, चलो हो गई। लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डेरिवेशन में आपको वो चीज क्लियर होती है, लेकिन मैं आपको ट्रिक इसमें एक्सप्लेन करता हूं कि जब हम यहां से चले होंगे मेरे बेटे, यहां से चलने की शुरुआत की होगी और यहां तक जब पहुंचे होंगे, तो देख मैं इसमें ध्यान से, मैं यहां से गया और यहां से पलट गया, मैंने क्या बोला पलट गया, यहां से जा पहले एंड ऑन पे तो सीधा चला गया, लेकिन ब्रॉड साइड पे जाने के लिए मैं यहां से पलट के ऊपर चला गया, जब पलट के ऊपर चला गया, जब मैं पलट गया तो डायरेक्शन भी पलट जाएगी, तो डायरेक्शन होनी क्या चाहिए थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन वो क्या जाएगी पलटने के बाद पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, यानी ब्रॉड साइड पर जो डायरेक्शन हो जाएगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये मैंने इसमें दोनों चीजें आपको क्लियर की, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगली वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अनदर बच्चों और कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका ही बेनिफिट हो और बच्चों का ही बेनिफिट हो बच्चों। सो थैंक यू, हम आपके लिए इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे, सीरीज लाते रहेंगे, यू आप इस तरह से वॉच करते रहिए। ओके बेटा।